कोविड-19 जैसा कि आपने देखा बचाव ही उपाय है। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है आरजे दीवांगना और आज की इस कॉन्वर्जेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी रेडियो एंड इवेंट इंडस्ट्री के बारे में। किस तरीके से कोरोना वायरस ने दोनों इंडस्ट्रीज को यू नो इफेक्ट किया है, क्या है इसकी साइड इफेक्ट, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट इन कॉन्वर्जेशन आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज मेरे साथ इस कॉन्वर्जेशन को ज्वाइन करने के लिए वी हैव द इवेंट गुरु मिस्टर अरशद हुसैन। Welcome to the show, sir. How are you? You, after hearing your voice, I am feeling better. I really want कि ये जो better वाली situation है वो सबके साथ हो जाए, because you know there's so much of depression around us. इतनी सारी you know बातें हम लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सुन रहे हैं, and that is coronavirus. अच्छा sir, how does this coronavirus आपकी personal life में, पहले let's ask about it कि lockdown period आपका कैसा चल रहा है? बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे हिंदुस्तान में आम लोगों का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है कि मैं थोड़े से कुछ मेरे पास ऑनलाइन कुछ इंटरव्यूज कर लेता हूँ, अपने इवेंट गुरु के नाम को सार्थक करते हुए कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ आजकल, कुछ लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं इवेंट और वेडिंग्स के बारे में, और कुछ इंडस्ट्री के जो वेब पोर्टल्स हैं या कुछ वो लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, तो आई एम ट्राइंग कि घर पर रहते ही कुछ हम यहाँ पे चालू रख सकें। बाकी लॉकडाउन तो है ही, वही सबसे बेहतर तरीका भी है, और मेरे ख्याल से रेडियो इंडस्ट्री का भी वही हालत है। आप बीइंग एन इवेंट गुरु इतने सालों से इंडस्ट्री में, अब फाइनली आप डिजिटलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव नोन यू एज अ पर्सन एंड यू वर नॉट सो मच एक्टिव, अगर डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करूं, सो डिजिटली एक्टिव आप नजर नहीं आते थे हमें। नहीं देखिए, डिजिटली एक्टिव इन द सेंस कि हम क्लाइंट के लिए तो डिजिटल एक्टिवेशंस कर ही रहे हैं ना सारे। अब वो आप मेरी पर्सनल लाइफ में बोले तो मैं बहुत ज्यादा नहीं उसके ऊपर विजिबल हूँ, मेरा स्टाफ हैंडल करता है मेरा सोशल मीडिया भी और बाकी जो चीजें हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टू बी वेरी फ्रेंकली एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन अब जो वक्त की नजाकत है उसे देखते हुए, जैसे हमने अभी इवेंट मैनेजर्स डे के लिए भी जितने भी दुनिया भर के ऑर्गेनाइजर हैं, आप सबसे पर्सनली मिली भी हो, आपने कई बार उसे कंपेयर किया, तो सबका हमने अभी एक वेबिनार किया, हम 8-10 लोग एक साथ मिले और हमने उसके ऊपर विचार व्यक्त किए, सोचा हम लोग चीजों को आगे कैसे बढ़ाएं, तो ये अब वक्त की जरूरत है, तो अब एक्टिव होना पड़ेगा मैम मेरे जैसे लोगों को भी। बिल्कुल सही बात है सर। इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि मेरे खुद के देवर लाइक टू ग्लोबल इवेंट्स दैट आई वाज सपोज टू होस्ट, और बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वो इवेंट्स आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। एंड आई टेल यू, पिछले कुछ दिनों से आई शुड से कि जब मैं 15 तारीख को मेरा लास्ट इवेंट जयपुर से यू नो होस्ट करके वापस मुंबई आई थी, मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग डोमेस्टिक, एंड वापस आते ही प्लस यू नो व्हाट्सएप से लेकर न्यूज पर एवरीथिंग, इट वॉज सो मच डिप्रेसिंग हम सब लोगों के लिए कि जहां देखते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। एंड इनफैक्ट यू नो अगर हल्की सी खांसी भी इन जनरल भी आ जाती थी ना, तो हम लोग को डर लगता था, ओह डूड कहीं हमें तो ये चीज नहीं हो गई है। सो ये स्केयरनेस वाली जो सिचुएशन है कि आपके साथ भी थी पर्सनल लाइफ में? देखिए मैं इसके ऊपर, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, ये कोई नहीं पूछता, मैं इस पर बात करना चाहूंगा। एक्चुअली देखिए सीजन बदल रहा है, खूब बारिशें हुई हैं, मैंने JMA के बहुत लंबे टाइम तक इवेंट किए हैं, JMA जयपुर मेडिकल एसोसिएशन, बहुत सारे डॉक्टर मेरे अजीज दोस्त हैं, बहुत खास दोस्त हैं मेरे। एक साइकोलॉजिकल कोरोना भी हम सबके दिमाग में चल रहा है, हर सुबह अगर मैंने रात को ढंग से पानी नहीं पिया, मेरा थ्रॉट थोड़ा सुबह ड्राई हो गया, या मुझे हल्की सी किसी वजह से खांसी आ गई, या पंखा ज़्यादा तेज था, 2-3 छींक आ गई, तो एक साइकोलॉजिकल कोरोना हम सबके दिमाग के अंदर चल रहा है कि हल्की सी खांसी, हल्का सा जुकाम, हल्का सा टेम्परेचर महसूस होते ही हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसकी गिरफ्त में आ गए। तो ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है मेरा, बहुत आप लोगों से मैं मतलब चाहूँगा, जो भी लोग सुन रहे हैं आप इससे बाहर आइए, ऐसा नहीं है कि हम सब बिल्कुल उसकी गिरफ्त में आने वाले हैं। हम लोग वो अगर सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं जो हमें सरकार करने को कह रही है, तो कोई वजह नहीं है कि हम कोरोना की गिरफ्त में आएंगे। आप अपने घर में रहिए, अपने हाथ लगातार धोते रहिए, बाहर से किसी को भी मत आने दीजिए, या जो सामान आ रहा है उसकी आप उस तरीके से उसको आप सैनिटाइज करें जैसे कहा जा रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल जो है, जो कि हुआ तुम्हारे साथ तो ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि 15 को तुमने ट्रैवल किया है, तो जिन लोगों ने ट्रैवल किया उनके साथ तो साइकोलॉजिकली और वो थ्रेट महसूस कर रहे हैं ज़्यादा, तो ये हम लोगों को एक साइकोलॉजिकल महसूस होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, हम सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बुरा ख्याल ना रखें दिमाग, मेरा कहना ये है, अच्छी बातें सोचें,
और तुम तो यू शुड बी हैप्पी, तुम्हारा तो 14 डेज हैव गॉन, क्वारंटाइन टाइम हैज गॉन, लास्ट डे 30 तारीख को लेकर चल रही थी. आई वॉज यू नो फ्रीक्वेंटली सैनिटाइजिंग माई हैंड्स और मास्क भी मैंने पहना हुआ था, तो सारी चीजें हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सबको अब घर के अंदर ही रहना चाहिए. बिकॉज यू नो अ पर्सन लाइक मी, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैं मेरे शोज के लिए अक्रॉस द ग्लोब ट्रैवल करती हूँ, एंड मेरे लिए पिछले 15 दिन से घर के अंदर कैद रहना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था. बट उसके साथ साथ सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी टू डील विद ऑल द यू नो हमारे आसपास की खबरें जो इतनी ज्यादा नेगेटिव थी. तो मैंने सबसे पहला जो काम किया अपने व्हाट्सएप को म्यूट पे डाल दिया, बिकॉज इतने सारे हमारे पास जड़ी बूटी वाले नुस्खे आ रहे थे, यू नो इधर उधर से खबरें आ रही थी एंड ऑल द र्यूमर्स दैट वॉज स्प्रेडिंग अक्रॉस. तो सबसे पहले मैंने अपना व्हाट्सएप को म्यूट पे डाला, जो मेरा फैमिली ग्रुप है सिर्फ उसी पे नानी से बात करती हूँ एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड बडीज, दैट्स इट, किसी और के मैसेजेस नहीं देखती हूँ. सेकेंड थिंग जो मैंने कही, जो मैंने करी एट द मोमेंट इज न्यूज चैनल के अलावा आई थिंक मैं यहाँ पर हैप्पी चैनल्स मैंने देखना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड वॉचिंग नेटफ्लिक्स, आई स्टार्टेड वॉचिंग यू नो दीज वेब सीरीज, जिसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस सिचुएशन से बाहर आने में. बिकॉज अ पर्सन लाइक मी एंड आई वॉज गोइंग इन टू दैट जोन, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है. सो मेंटली अगर मैं इतनी स्ट्रांग रहकर, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल की अपनी व्हाट्सएप की जो यू नो खबरें हैं उन पर बिलीव ना करें. ऑरिजिनली जो चीज है वो आपको डेफिनेटली यू विल गेट न्यूज चैनल पे, ऑथेंटिक न्यूज आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी. सो इट्स बेटर टू फॉलो दैट. टॉकिंग अबाउट द इवेंट इंडस्ट्री, अर्शद सर, बहुत सारे इवेंट कैंसिल हुए हैं एंड यू नो हम लोग के चेहरे पर स्टिल वी हैव दैट स्माइल, बिकॉज इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हमेशा हर एक क्राइसिस में एक दूसरे का साथ दिया है एंड हमेशा स्ट्रांग बने रहे हैं. So what do you believe कि आने वाले इतने टाइम में कब तक आपको लगता है कि इवेंट इंडस्ट्री यू नो रिकवर हो जाएगी, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इवेंट इंडस्ट्री? इस सवाल से पहले मैं एक वो तुम्हारे व्हाट्सएप वाले बात पे आना चाहूंगा. ये व्हाट्सएप का जो इफेक्ट आ रहा है कोरोना का वो तो है ही, लेकिन मेरे जो आसपास के मेरे खास दोस्त हैं वो सब जानते हैं कि मेरे मिनिमम पेंडिंग मैसेजेस व्हाट्सएप पे जो रहते हैं वो तकरीबन 20,000 रहते हैं हमेशा. तो आप सिर्फ कोरोना नहीं, व्हाट्सएप वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. दंगे होते हैं जब आप महसूस करते हो कि आप भी इनसिक्योर हो रहे हो, आपको लगता है देश बहुत ज़बरदस्त खतरे में और आप वो पैगंबर हैं जो इसे बचा सकते हैं. तो इस तरीके की फीलिंग वो आपको देता है, उस फीलिंग के अंदर आप कुछ गलत कदम उठाते हो. जैसे एक स्पेन का बहुत ज़बरदस्त इस टाइम मैसेज वायरल है, जो कि लोग कह रहे हैं कि देखिए स्पेन ने किस तरीके से लॉकडाउन किया, वो एक एजिटेशन का है जिसके दौरान उन्होंने कुछ लोगों को उठा उठा के गाड़ियों के अंदर रखा, ना तो उन्होंने मास्क पहन रखा ना और कोई प्रिकॉशन है, पुलिस ने भी पब्लिक ने भी, उसके बावजूद लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ये कोरोना के एजिटेशन के अंदर लॉकडाउन किया जा रहा है. तो इस तरीके की चीज़ें मिक्स हो जाती हैं. अब आपका जो मेन सवाल था जिसके ऊपर मैं बात पूछी आपने, देखिए इवेंट इंडस्ट्री के अंदर एडॉप्ट कुछ भी चीज़ एडॉप्ट करने की ताकत इस दुनिया के किसी भी और इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा है. आप भी जानते हो इस बात से, क्योंकि मैं अब आप एंकर नहीं रही हो, आप जितना ज़्यादा काम करते हो इस इंडस्ट्री के अंदर आप एक बिल्कुल हमारा पार्ट हो. जिस तरीके से एक्टिव रहती हो हर एक इनिशिएटिव में, हर एक कॉज के अंदर, देवांगना इज रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर एंकर्स. तो जो हम लोग बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करते हैं कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है इवेंट मैनेजर सबसे पहले लेता है, कोई भी नई चीज़ आई डिस्प्ले के लिए इवेंट मैनेजर सबसे पहले लेता है, कोई भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की नई चीज़ आई अपने इवेंट्स में हम लोग तेज़ी से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं. तो ये जो डिफरेंस जो एडॉप्शन की एक है, तो हम इससे बहुत तेज़ी से उभरेंगे. और जैसे कि हमको 3 दिन ही लगे, 5 दिन ही लगे कि हम लोग सब जूम कॉल करने लग गए, हम लोग सब नेट से भी हो गए एकदम, हम लोग स्क्रीन पे नजर आने लगे. आपने भी जैसे कहा कि पहले नहीं नजर आते, तो ये जो चीज़ें ये एडॉप्शन का पार्ट है जिसे हम लोग बहुत क्विकली करते हैं. इवेंट कैंसिल होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बुरा है. और बहुत वेडिंग्स कैंसिल हो रही है, सोचिए जिनके बच्चों की शादी कैंसिल हो रही है उनकी हालत हमसे ज़्यादा ख़राब है. हमारा तो बिजनेस है, हम तो वो जो भी नई डेट डिसाइड करेंगे उस पर हम वो शादी कर ही लेंगे. लेकिन सोचिए कि जो दो फैमिलीज के बीच में एक बॉन्डिंग हो रही थी वो आगे बढ़ गई है, कुछ कंपनीज की कॉन्फ्रेंसेस आगे बढ़ गई हैं. एक बहुत बड़ा बिजनेस आता है मार्च के अंदर, जिन कंपनीज के बजट लैप्स नहीं होते हैं, कंप्लीट नहीं किए होते हैं, वो एकदम से मार्च के अंदर
तो सारा का सारा हैज गॉन डाउन, सब जा चुका है वो बिजनेस। मुझ जैसा जो कॉर्पोरेट इवेंट भी करते हैं वेडिंग के साथ साथ, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन ये खात्मा नहीं है। ये जो कोरोना की वजह से जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, ये इवेंट इंडस्ट्री को, हमारे मुल्क को, हमारी सियासी तहजीब को, हमारी समाजी तहजीब को, सबको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलेगा। जो चीज़ें हम पिक्चरों में देखा करते थे कि इस तरीके का होता है, मजाक उड़ाते थे, वो अब हम देख सकते हैं असलियत के अंदर, वो हम अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी और हम बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आएंगे इसके। ये जो चीज है, हम जो सिचुएशन है इससे बाहर आए। अगर सिचुएशन के बारे में बात करें तो आई रिमेम्बर 2014 एंड 15 में इंडियन इंडस्ट्री ने 20-25% का यू नो आगे रेवेन्यू जनरेशन किया था, एंड 2017 की एक रिपोर्ट थी कि बाय 10,000 करोड़ ये जो इवेंट इंडस्ट्री है वो क्रॉस कर जाएगी। बट इफ यू टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, so do you think these sort of plannings actually work out, because ye jo cheez hai ye hamare haath mein nahi hai. To my pass figures thode se mere khayal se kanjusi wale figure hain. hum jo hain bahut pehle ye figures cross kar chuke hain. Jo white paper event industry ke upar nikla tha wo bhi figures isse zyada the. Baat wo nahi hai, hum use cross karenge Deevangana, hum use lazim hai ki hum use cross karenge, lekin mudda ye hai कि अभी हमारे को जैसे बहुत अच्छी गाड़ी चलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं ना कभी कभी, तो वो आपकी सुरक्षा के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि उस दौरान आप तेज ना चलें, कोई स्कूल्स हैं या कोई सोशल ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी, तो ये जो ब्रेकर आया है ओवरऑल, ये इसी वजह से आया है कि हम लोग और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकें और अच्छा कर सकें। अब मैं सवाल पूछूँ आपसे? हाँ, आपने कहा इन कॉन्वर्सेशन, तो कॉन्वर्सेशन में तो दोनों तरफ से सवाल हो सकता है। रेडियो इंडस्ट्री में क्या चेंज आ रहे हैं? तुमने दुबई काम किया, तुमने दुबई काम किया, तुमने जयपुर काम किया, तुमने पूरे पूरे हिंदुस्तान में काम किया, अभी बॉम्बे बैठी हुई, पूरा तुम्हारे को आइडिया है, हर जगह तुम्हारी दोस्ती है, तुम्हारे लिंक है, तो क्या रेडियो के अंदर चेंज आ रहा है? सर, रेडियो के अंदर देखिए, ये जो वायरस है ना, सबसे बड़ी चीज है कि रेडियो इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री जो हर तरीके की जो इमरजेंसी रही है हमेशा एक्टिव रही है, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो यू नो राइट्स हो, चाहे कुछ भी हो। बट जिस इंडस्ट्री को यू नो वर्क फ्रॉम होम अगर रेडियो में कर दिया गया, बिकॉज आई रिमेम्बर हम लोगों को हमेशा स्टूडियो में हमें आना पड़ता था। आई रिमेम्बर डूइंग अ शो ऑन अ होली एंड अ दिवाली, आप सब लोग सेलिब्रेट करते हुए एंड आरजे स्टूडियो में बैठकर आप सब लोगों को एंटरटेन करते हैं, राइट? एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम सबको यू नो ये इतला दे दी गई थी कि यू नो आप घर पे रहकर काम करें, तो आई थिंक इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। सो इफ यू टॉक अबाउट द रेडियो इंडस्ट्री, सारे आरजेज अपने घर पे बैठकर अपने माइक और अपने सेटअप के साथ अपने फैंस के साथ लाइव जा रहे। इफ यू टॉक अबाउट मी, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो शो है वो एक गेमिंग शो है, लाइव हाउसी का शो है जो मैं सारेगामा कारवां के साथ पोस्ट करती हूँ, बट उसका किसी तरीके से लाइव सेटअप मेरे घर पे वाज नॉट पॉसिबल। सो इस वजह से मैं उस तरीके से लाइव नहीं जा रही हूँ, बट मैंने मेरे फैंस से कनेक्टेड रहने के लिए एंड बीइंग एन एंटरटेनर आप सब लोगों को एंटरटेन करने के लिए इंस्टाग्राम पे रोज शाम का लाइव जरूर करती हूँ, जिसमें बॉलीवुड टेलीविजन म्यूजिक इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटीज है उनके साथ मैं कॉन्वर्जेशन करती हूँ। बिकॉज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी बारे में बात करते हैं तो लोग उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। बीइंग अ पेरेंट आप ये चीज समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चों को बोलेंगे ना तुम ये मत करो तो वो करेंगे उस चीज को, बट कोई दूसरा आकर उनको बोलेगा तो फॉर श्योर वो बोलेंगे हाँ ये बात सही है। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों की रेडियो इंडस्ट्री के साथ भी हुआ है। बट इफ यू टॉक अबाउट द रेवेन्यू, सो ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में द फर्स्ट क्वार्टर द रेवेन्यू हैज गॉन ऑलमोस्ट लाइक 10-12% डाउन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सो गवर्नमेंट एंड एफएम इंडस्ट्री इज ऑल्सो सीकिंग हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो आने वाले टाइम पे ताकि इसको बूस्ट कर सके। एंड जो पॉडकास्ट है, जो डिजिटलाइजेशन है, उसका मैक्सिमम यूज सारे रेडियो इंडस्ट्री वाले एट द मोमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द रेडियो इंडस्ट्री इज वर्किंग फ्रॉम होम। हाउ लकी यू आर, हमारे शायद 10-12% बचा है, आपका डाउन गया है, राइट? यू आर इन अ बेटर पोजीशन। थैंक यू।
बहुत बढ़िया। आई थिंक आई एम प्रीटी मच श्योर कि इवेंट इंडस्ट्री इस चीज को बहुत जल्दी यू नो टेक ओवर कर लेगी, बिकॉज जो शादियां पोस्टपोन है वो ज्यादा टाइम तक पोस्टपोन नहीं रहेंगी। जैसे ही सिचुएशन यू नो खत्म होती है कोरोना वायरस की, सारी शादियां वापस स्टार्ट हो जाएंगी एंड हम लोग वापस से स्टेज पर आकर आप सब लोग को एंटरटेन करने का वेट कर। मैं जरा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारी इवेंट इंडस्ट्री किस तरीके से इस टाइम सोशल कॉजेस से जुड़ी हुई है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या ये नहीं कि वो लोग खाना खिला रहे हैं, ये तो तकरीबन हर आम हिंदुस्तानी जो केपेबल है वो कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारी इवेंट इंडस्ट्री की, तो इवेंट इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में काम कर रही है। मेरे काफ़ी साथियों के पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास बैरिकेडिंग्स हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है। उनके पास में कुछ जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपने मैन पावर को शेयर कर रही है। हमारे बहुत सारे शादी के जो वेन्यूज हैं वो लोगों के लिए अभी कुछ वक्त के लिए आरामदायक या उन लोगों को कुछ रेस्ट कर सकें इस तरीके की जगह बन चुकी हैं। जो उनकी बड़ी बड़ी रसोइयाँ हैं वहाँ पर सब लोगों के लिए बड़े बड़े खाने बन रहे हैं ताकि एक साथ 1,000, 2,000, 5,000 पैकेट्स बन सकें। ये काम हमारे वेडिंग वेन्यूज के जो रसोई हैं उन पर चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो वॉकी टॉकी हैं, जैसे मुझे मेरे एक साथी ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे वॉकी टॉकी मांगी। एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि इवेंट में यूज़ करने के लिए उनके पास वॉकी टॉकी हैं 30-40, तो वॉकी टॉकी उन्होंने दिए। तो देयर आर मैनी वेज जिसमें इवेंट इंडस्ट्री ये भूल करके कि हम तकरीबन जीरो पे आ गए हैं, हम समाज को पूरा पूरा आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कंधे से कंधा मिला के। और हमारे सारे साथी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इवेंट इंडस्ट्री, तो इवेंट मैनेजर के अलावा जितने भी साउंड वाले हैं, जितने भी डेकोर वाले हैं, जितने भी हमारे टेंट का फैब्रिकेशन देखते हैं, ब्रांडिंग देखते हैं, दे ऑल आर देयर एंड दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। जो ब्रांडिंग कर रहा है वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है। जिसके पास साउंड का काम है उसने कई जगह पर अपने बैटरी वाले साउंड सिस्टम दिए हैं ताकि अनाउंसमेंट हो सकें। बहुत से जो हमारे रिपेयरिंग कर रहे हैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियों के अंदर जो साउंड सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी, तो देयर आर पीपल जो लगातार इस इंडस्ट्री के इससे जुड़े हुए और काम कर रहे हैं। तो आई प्राउड ऑफ यू गाइस, मुझे अपनी इस इंडस्ट्री में हमेशा से नाज है। और इस 10 दिन में जो मैंने देखा है क्या कहते हैं आप लोगों का रूप, तो मुझे लगता है कि अगर 7 जन्म होते हैं तो 7ों जन्म में इवेंट मैनेजर बनूँ, इसके अलावा और कुछ इच्छा नहीं। That's beautiful and it is so, you know, इतना खूबसूरत है आप सब लोगों के साथ यू मिल बांट के काम करना, बिकॉज एक एक जो टीम वर्क है वो बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिखाई देता है इवेंट इंडस्ट्री में। चाहे छोटे से छोटा वर्कर चुनाव, चाहे आपका यू नो फ्लोरल का जो काम कर रहा है, जैसे कि आपने बताया फैब्रिकेशन का जो काम कर रहा है, जो एक टीम वर्क का एग्जाम्पल है वो आप ही सब लोगों से यू नो हम लोगों को देखने को मिलता है एंड इट इज रियली ऑसम। सो अर्शद सर, आई फील दैट देयर आर लॉट ऑफ यू नो डिजिटल इवेंट्स नाउडेज दैट आर हैपनिंग। सो इवेंट मैनेजर, जैसे आपने बोला कि एक दिमाग होता है कि कुछ ना कुछ यू नो अलग करते रहते हैं, सो देयर आर वर्चुअल इवेंट्स दैट आर हैपनिंग, सो हैव यू गॉन थ्रू एनी ऑफ दोस वर्चुअल इवेंट्स? नहीं अभी तक नहीं, लेकिन हाँ इसकी तैयारियां चल रही हैं बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही है। और ये जो हमारा ये चल रहा है ये क्या है, ये एक वर्चुअल सा ही एक टीम सिटी लाइव को, इसके अंदर कुछ भी कमाई नहीं होनी है, कोई पैसा नहीं देने वाला है, लेकिन ये भी रोज 2-4 अपने इवेंट्स करते हैं, बात करते हैं लोगों से, जर्नलिस्टों से बात करते हैं, सेलिब्रिटीज से बात कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गिव लाइव फीड टू देयर यू नो ऑल द पीपल। तो ये चल रहा है। बाकी हाँ हमारे कुछ लोग जो हैं गेमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं कॉम्पिटिशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन। तो मैंने कहा ना कि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से एडॉप्शन करती है, तो उस तरफ काम चालू हो गया। जैसे मेरे को हमारे कर्नाटक इवेंट मैनेजर्स एसोसिएशन की तरफ से कल फोन आया कि आप हमारे जोन के जो ट्रेनी बडिंग इवेंट मैनेजर्स हैं उनके लिए आप वेडिंग की क्लासेस लीजिए। तो थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर ग्रोइंग एंड गोइंग। ओके, बट एक यू नो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी अर्शद सर, बिकॉज आप भी जानते हैं बीइंग एन इवेंट मैनेजर आप लोगों को बिल्कुल भी अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता था, एंड द सेम गोज फॉर मी एज वेल, बिकॉज टाइम शेड्यूल होता है वो इतना एब्रप्ट कर देता है हमारे फैमिली वाली चीजों से, इतना डिफरेंट हो जाता है सब कुछ। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू यू नो आई थिंक लर्न अ न्यू थिंग, स्पेंड टाइम विद द फैमिली, सो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट जो इतनी लंबी छुट्टी हम लोगों को दे दी गई है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? नहीं बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के साथ मूवीज देखता हूँ, मैंने सुपर 30 देखी उनके साथ, मैंने उनके साथ लगान देखी, तो मोटिवेशनल दंगल देखी,
तो ये कुछ मूवीज हैं जो हमेशा आती रहती हैं टीवी पे, आपको किसी ना किसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो मोटिवेशनल मूवीज में बच्चों के साथ बैठ के देख रहा हूँ और उनको भी मोटिवेट करता हूँ, और टू बी वेरी फ्रेंकली मुझे भी किसी ना किसी किस्म का मोटिवेशन मिल रहा है उन्हें देख के। Which is very nice. I mean, सारे इवेंट मैनेजर्स की जो यू नो फैमिली मेंबर्स की जो कंप्लेंट्स रही होगी, तो मुझे टाइम नहीं देते हैं एंड ऑल दैट, वो सारी कंप्लेंट अभी दूर हो चुकी होगी। हाँ, हम लोग इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं कि अभी वो फैमिली कह रही है कि हमारे को कुछ थोड़ा हमें अब टाइम दे दो। We need that space. वो वाली सिचुएशन। वैसे 21 दिन में any of the learning जो आपने सोचा, because with me I have started my online guitar classes, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे Instagram live के साथ साथ I am creating lot of video content to entertain all of you. वो क्या है कि being an entertainer, अंदर वो जो ज्वाला रहता है ना, वो फट के बाहर आना is very important. तो मैं भी ये कर रही हूँ, so I'm taking online guitar classes. It is so surprising. I would like to show you something. Yes, please. Awesome. So do you play? So doing the same thing. But exactly. मेरी बेटी रोज मुझे कुछ ढूंढ के देती है चीज, और वो मुझे गाइड करती है कि आप इसको जरा फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अभी 3 दिन ही हुए हैं। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न दिस। लाया मैं उसके लिए था, उसने बजाया नहीं, लेकिन ये मेरा चालू हो गया। नहीं, म्यूजिक सर हर तरीके से हर एक सिचुएशन का मेडिसिन है। मैंने ये रियलाइज किया है व्हेन आई प्ले द गिटार। एक दो कॉर्ड्स ही सीखी हैं अभी तक मैंने, बट व्हेनेवर आई प्ले इट आई फील दैट दिस इज द बेस्ट म्यूजिक मेडिसिन, इफ आई शुड से दैट। सो व्हाट डू यू हैव टू से, आपका लॉकडाउन जो टाइम टेबल है, व्हाट इज दैट? बिकॉज मेरा तो स्लीपिंग पैटर्न से लेकर खाने का पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया है, किसी चीज का भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बचा है। नहीं, आप घर में रहकर इवेंट मैनेजर हो गई है और मैं घर में रहकर एक घरेलू इंसान हो गया। मेरा अब सब सेट हो गया है कि मैं सुबह 7:30-7 बजे उठ जाऊंगा, और मैं 9:30 बजे मेरा नाश्ता हो जाएगा, 10 बजे तक नहा लेंगे, लंच का टाइम, डिनर का टाइम सेट हो गया है, बिल्कुल सब कुछ, लाइफ बिल्कुल रूटीन सेट हो गया है। दोपहर में ये जो हम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास टाइम है 3 घंटे का रोज, तो सेट हो गया है सब कुछ। तो आपके थोड़े से, आप बाहर ज्यादा रहती थी तो आपकी थोड़ा सा ये फर्क है, मतलब हमारा सेट हो गया। अपनी लाइफ में कभी इतनी ज्यादा कुकिंग नहीं करी। मेरे साथ कुकिंग होता था वंस इन अ ब्लू मून, राइट? मैं 3-4 महीने में एक बार कभी कुक करती थी। नाउ सिंस हमारे घर में मेड नहीं आ रही है, सो आई एम कुकिंग माइसेल्फ, घर का सारा काम आई एम डूइंग माइसेल्फ। तो ये भी एक अलग ही यू नो जोन है, और ये ऐसा टाइम है जो मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाला है, कि ऐसा भी एक टाइम था जब मुंबई की सड़कें हम लोग को एकदम शांत दिखाई दी, लोकल ट्रेन थम गई है मुंबई की, एंड लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। सो आई थिंक ये भी अपने तरीके का एक टाइम है जिसको हम आने वाले टाइम में याद करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ। बिल्कुल, हम हमारे दादा दादी से बात करते थे ना कि आपके 40 रुपए में एक बोरी का अनाज का आ जाता था क्या, और ऐसी बातें हम लोग सुनते थे ना उनसे, और इतने 100 रुपए में सोना आ जाता था एक तोला। तो अब हमारे पास सोचो दिमाग ना कितनी स्टोरीज हैं। हमने मतलब हम वी कैन टॉक अबाउट कोरोना, तो हाईएस्ट है ये, तो इमेजिनेशन से बाहर की है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास, आपने कश्मीर को पहले जलते हुए देखा, फिर आपने धारा 370 देखी, आपने बाबरी मस्जिद डिमोलिश देखा, आपने राम मंदिर का निर्णय देखा। ये कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जैसे आज़ादी के वक्त की बातें हैं। तो ये सब आप इनसे गुजरे हो, और मेरे साथ तो एक चीज़ और हुई थी, जैसे कि मैं 10+2 का पहला बैच था इंडिया में, जो पहला बैच आया था 10+2 का, वो हम लोग थे। तो देर आर मैनी थिंग्स जो और लोगों के साथ में नहीं हुई है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में देखी है। तो अच्छा है ना, हमारे पास हमारी जो ग्रैंड किड्स बोर नहीं होंगे, नाना टाइप ऑफ सिचुएशन रहेगी हम सब लोगों के साथ, बहुत अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे, सबको बिठा देंगे, आओ बच्चों यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हें बताते हैं कि 2020 में क्या हुआ था। बिल्कुल, और हम सुनाएंगे उन्हें एपिसोड वाइज कि अब तुम्हारे को कोरोना के बारे में बताते हैं, अब तुम्हारे को इसके बारे में बताते हैं, अब तुम्हारे को उसके बारे में। तो we would be having you know lot of stories. Right. अच्छा सर, you are a cricket fan and इस बार IPL का you know it's kind of a dicey scene. So what do you have to say about that? देखिएगा, आप हो सकता है IPL भी अब ऑनलाइन ही हो। Yes, I saw few of the, you know, कुछ companies ने एक ऑनलाइन इस तरीके का गेमिंग निकाला है जिसमें वर्चुअल गेमिंग, वो सारे प्लेयर्स भी सेम है, यू कैन यू नो डू ऑल दैट, एंजॉय दैट पर्टिकुलर लीग। So everything is turning out to be virtual. But if we, you know, talk about Arshad sir, the positive side, मैंने मेरे अंदर जो positivity देखी है घर के अंदर है कि first thing I can save lot of money. मैं online shopping के बगैर भी रह सकती हूँ. Number good one. Congratulations. Number two, I don't need a maid. अगर मेरे पास time हो तो मैं cooking भी खुद कर सकती हूँ.
नंबर थ्री, घर के अंदर रहते हुए मैं घर का सारा मतलब काम भी कर सकती हूँ मैनेजमेंट एंड संभाल सकती मैनेजमेंट संभाल सकती हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन स्टे विदाउट माई फोन ऑल्सो, बिकॉज लाइक में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे फोन को देखते हुए बोर हो गई हूँ, मेरे फोन पे इंटरनेट सर्फ करते हुए बोर हो गई हूँ, सो आई कैन स्टे विदाउट माई फोन ऑल्सो. सो दीज आर माई पॉजिटिव थिंग्स. वॉट अबाउट यू? My positive things that my industry is जाग रही है, evolve हो रही है और वो नए तरीके से आपके सामने आएगी, आपको हैरान करने वाले तरीके से. याद रखिएगा ये बात, मेरी ये लाइन बिल्कुल आप याद रखना. दूसरी चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, मेरे पास मेरे ऐसे दोस्तों के फ़ोन आने लगे हैं जिन्होंने मुझसे 5-5, 7-7, 10-10 साल से बात नहीं की, और वो लोग माना कि अभी गवर्नमेंट हमारे को मिलने को मना कर रही है, लेकिन उन लोगों को हम लोगों की रिश्तों की याद आने लग गई है वापस. तो ये आपके साथ भी हो रहा होगा कि बहुत सारे लोग जो आपसे कनेक्टेड नहीं थे वो सडनली आपसे कनेक्शन में आ गए, उनको आपकी ज़रूरत महसूस होने लग गई है. वो काम के दबाव में या अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आपको भूल जाए, तो ये एक जो कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग आ रही है वापस. तीसरी और एक अच्छी चीज़, मुझे पता नहीं अच्छी कहूँ मैं ख़राब कहूँ, कि एक जो एक वेस्टर्नाइजेशन का एक बहुत तेज़ दौर आया था, उसको बहुत ज़बरदस्त वाला डेंट पहुँचा है इस कोरोना इंसिडेंट से. बहुत ज़बरदस्त वाला डेंट पहुँचा है, लोगों को ये यकीन होने लग गया कि नहीं, हमारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, हम जिस तरीके से रहते थे वो ज़्यादा अच्छा था, हमारे जो छोटे मोटे घर में पेड़ हुआ करते थे, दादी के नुस्खे हुआ करते थे, माँ जो बातें बताती थी वो सब रिलेवेंट हैं आज की तारीख में भी. तो ये जो हुआ करता था ना कि बच्चों में एक वो था कि नहीं नहीं ये सब बकवास है, या वो कम हो रहा है. तो अच्छा पार्ट ये है कि मतलब ये चीज़ें वापस आ रही हैं, और जिस वजह से मैंने कहा था कि पता नहीं बुरा, वेस्टर्नाइजेशन कम हो रहा है. राइट, पुराना दौर वापस आ गया है, हम टेलीविजन पे वापस महाभारत और रामायण देखने लग गए हैं, रोडों पर लोग नहीं है. सो मुझे मुझे मतलब मेरी नानी यही बोलती है, एक तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पुराना टाइम वापस आ गया है एकदम. बिल्कुल, मेरे मेरे फ्लैट में, मेरे पेंट हाउस के अंदर चिड़ियों की चहचहाट वापस सुनाई देने लग गई है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल आसपास कहीं पे भी, तो चिड़ियों की, पंछियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और बहुत शांत लगता है. एक जो घबराहट सी, एक जो थोड़ी सी एक ज़िंदगी में जल्दबाजी थी, वो पता नहीं कहाँ अपने आप गायब हो गई है. तो ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बहुत अच्छी हैं. ये हमारे को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने के साथ साथ ठहराव में कितनी खूबसूरती है वो बता रहे हैं. और अबव ऑल, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, अगर दुनिया में कुछ चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है तो ज़िंदगी है, ये साबित हो रहा है कि जान है तो जहान है, बाकी सारी चीज़ें होती. तो हाँ, मतलब जिस सिर्फ एक चीज की टेंशन है वो है अपने आप को हेल्दी रखने की टेंशन. लोगों को अभी पैसा कमाने की टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ ये लग रहा है कि ये सिचुएशन है जल्दी से निकल जाए, एंड हम हेल एंड हार्टी एज हॉर्स रहे. चलिए और बताइए मैम, बहुत मजा आया आपसे बात करके. हमारे मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सारे मीमर्स को, इतने सारे मीम्स बना रहे हैं लोग, एंड मीम्स के थ्रू हमारे चेहरों पर स्माइल आ रही है, पीपल आर मेकिंग ऑल दीज फनी टिकटॉक वीडियोस. अगर आई थिंक ये नहीं होती तो घर के अंदर रहकर पीपल वुड हैव गॉन रियली मैड. सो थैंक यू ऑल द मीमर्स हु आर मेकिंग सच फैंटास्टिक मीम्स टू एंटरटेन ऑल ऑफ अस. उन्हें लेकिन आपका कोई आपका अच्छा टिकटॉक स्टार, आपका दोस्त आपके टच में, तो बोलिए पुलिस की पिटाई वाले नहीं बनाए बस, बाकी सब चीज तो है वो डंडो वाली. इनफैक्ट इसमें भी काफी सारी फेक न्यूज भी होती है. अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पहले देखा था कि एक डायरेक्टर की पिटाई कर रहे हैं किसी डायरेक्टर का नाम लेकर, बट अनफॉर्चुनेटली उस डायरेक्टर ने ट्वीट किया कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई मेरे जैसा दिखने वाला आदमी है. तो प्लीज आप इस तरीके की खबरें ना फैलाएं, र्यूमर्स ना फैलाएं सोशल मीडिया पे, स्पेशली व्हाट्सएप पे. फॉरवर्ड करने से पहले खुद को एनालाइज करें कि आप क्या किसको राइट इफेक्ट सामने जिंदगी के ऊपर क्या पड़ने वाला है. तो यू शुड डू दैट. टेक केयर देवांगना, बहुत मजा आया आपसे बात करके. आपको मजा आता है नॉर्मली, अच्छा लगा आपसे बात करके. दिस अपॉर्चुनिटी की एक इवेंट एंड रेडियो इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन और दोनों की बातें यहाँ पर हम सबको सुनने को मिली. थैंक यू सो मच सिटी लाइव. थैंक यू सो मच. थैंक यू विश्वजीत, सत्यजीत, टीम सिटी लाइव. थैंक यू. थैंक यू.